हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विनीत और आज हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है एक वाईफाई कैमरा जो कि है आउटडोर में लगने वाला, मतलब ये वाटरप्रूफ कैमरा है। पिछला बार जो हमने जो कैमरा का किया था रिव्यू वो था आपका इंडोर में काम आता था, ये कैमरा अपना आएगा काम आउटडोर में। मतलब ये कैमरा मैं आपको दिखा दूँ, ये है सी बी प्लस का V21 मॉडल। हम देखेंगे कि काम कैसे करता है इसका, देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है और हम इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और टेक्निकल रिव्यू करेंगे, साथ में क्वालिटी भी देखेंगे कि काम कैसे करता है। बाद में लैपटॉप पे एंड्रॉयड टीवी पे हम देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक रिव्यू छोटा सा इसका बता देता हूँ काम कैसे करता है। ये है वाईफाई कैमरा, इसमें आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके आप दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, एंड्रॉयड टीवी पे, साथ में इसको लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ये है इसका फंक्शन जो बेसिक है। साथ में इसमें मोशन सेंसर, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब उधर से मतलब कैमरा की तरफ से आवाज़ आप सुन सकते हैं मोबाइल पे और मोबाइल की तरफ से कैमरा में बोल सकते हैं, इसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। आजकल जितने भी वाईफाई कैमराज है उसमें ये सब कॉमन है, लेकिन ये कैमरा खास इसलिए क्योंकि जब आउटडोर की बात आती है, जब वाटरप्रूफ और वेदर प्रूफ कैमरेज की बात आती है तो हमें कम ऑप्शंस मिलते हैं, उसी कम ऑप्शंस में से ये कैमरा है जो कि है V21। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसे इंस्टॉल हम कैसे कर सकते हैं लैपटॉप में, अपना फ़ोन में और टीवी वगैरह में कैसे हम लाइव देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है अपना कैमरा, साथ में सबसे पहले दिखाता हूँ ब्रांडिंग। ये है ब्रांडिंग सी पी प्लस का, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अपना ये कैमरा का जो अंदर प्रोडक्ट है उसका पिक्चर दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है मॉडल नंबर। मॉडल नंबर है V21 2MP फुल HD कैमरा। ये HD कैमरा, साथ में ये IP कैमरा भी है और ये रहा सी प्लस का इजी कैम के नाम से आता है ये। अब देखते हैं यहाँ पर, ये है आपको मोबाइल ऐप का दिया हुआ है। आप एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में, मतलब iOS और एंड्रॉयड दोनों में आप ऐप इंस्टॉल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है फिर से इसका मॉडल नंबर, साथ में सीरियल नंबर और प्राइसिंग वगैरह दिया हुआ है। वैसे प्राइसिंग काफ़ी कम होता है जो MRP होता है इस पर उससे। तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो ये रहा अपना कैमरा। सबसे पहले देखते हैं एसेसरीज में क्या दिया है। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हर बार बताता हूँ आप सबको, ये है अपना मैनुअल। इस मैनुअल में देखकर, किसी के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है इसको इंस्टॉल करने का, फिर भी वो मैनुअल देखकर खुद से इंस्टॉल कर सकता है। इसके लिए अलग से किसी भी टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट इंग्लिश में दिया हुआ है, हाँ आराम से आप इसको इस्तेमाल करके कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा एसेसरीज अपना ये है पावर के लिए एडाप्टर। फिर ये कुछ स्क्रूज दिए हैं जिससे कि आप दीवार पे इसको माउंट कर सकते हैं। बस यही एसेसरीज है और ये रहा अपना प्रोडक्ट, आप देख पा रहे होंगे। साथ में एक केबल है, एक लंबा केबल है 3 मीटर का, जिससे कि आप USB के थ्रू इसमें आप इसमें इसको करना है कनेक्ट और आराम से आप इसमें पावर दे देना है। सबसे पहला प्रोसेस पावर दे देना है। दूसरा स्टेप टू जो है वो है सिंपल, आपको करना है ऐप इंस्टॉल। जो ऐप है जो इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, आप प्ले स्टोर पर से आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, इजी कैम प्लस, ये रहा आप ये ऐप देख लीजिए इजी कैम प्लस, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप सर्च करेंगे तो आराम से आपको आज मिल जाएगा। आपको बस ऐप को ओपन करना है, आपको सबसे पहले आएगा ऐड करने का ऑप्शन, आपको करना है इसमें आवाज आएगा ऑन होने का, कैमरा स्टार्टिंग नाउ वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, ये साउंड आएगा कैमरा में से। तो आपको सबसे पहले मॉडल नंबर यहाँ पर सेट करना, देखिए CP V21 मॉडल अपने को करना है इंस्टॉल। तो V21 सर्च करेंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे वाईफाई और पासवर्ड, जो लोकल आपका वाईफाई है उसका पासवर्ड डालना है और जाना है नेक्स्ट पे। ये आ गया QR कोड और QR कोड को बस कैमरा के थ्रू करना है स्कैन, फिर साउंड आएगा वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट, मतलब हो गया कि अब वाईफाई अब कनेक्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट करें। जब तक वाईफाई कनेक्ट हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ अब साउंड आया वाईफाई कनेक्शन सक्सेस, डिवाइस एडेड सक्सेसफुली। फिर आपको करना है आई हर्ड अ प्रॉम्प्ट पे क्लिक, ये देखिए डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, हमने स्मार्ट होम नाम दिया, डन पे क्लिक कर दिया, कैमरा हो गया ऑनलाइन।
अब रिमोटली आप आराम से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कैमरा क्लियर यहाँ पे देख पा रहा है जो कुछ भी। तो ये बेसिक सिंपल है मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद ये ऑप्शन जो ऐप में है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस, प्लेबैक देख सकते हैं, अलार्म फंक्शन है, मोशन सेंसर भी है इसमें जिससे कि आप मोशन सेंस कर सकते हैं। तो एक बार आपको क्वालिटी दिखा दूँ इसका। ये देखिए क्वालिटी, वैसे ही सब मेन क्वालिटी जो है वो आप आउटडोर में ही देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे लैपटॉप पे कैसे ऐड करते हैं। तो लैपटॉप पे ऐड करना इससे भी ज़्यादा आसान है। लैपटॉप पे ऐड करने के लिए आप देखिए यहाँ मी का ऑप्शन है, मी पे जाना है, साथ में यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन है, क्यूआर कोड, और ये वेबसाइट खोलना है आपको। इजी कैम दिखाओ स्क्रीन पर, easycam.cpplus.com, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, आप क्लिक करना है और क्यूआर कोड को करना है स्कैन, कंफर्म लॉगिन पे क्लिक करना है और ये कैमरा हो गया लोड। कैमरा लोड हो गया, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यही फॉलो करना है। अब वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और सेम यही प्रोसेस है एंड्रॉयड टीवी पे भी इंस्टॉल करने के लिए, कुछ अलग नहीं है, बस ब्राउजर खोलना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, आ जाएगा कैमरा स्क्रीन पर, बस यही प्रोसेस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।